अरे तुझे पता है कल काव्या ने हमारे बिना पार्टी कर ली। हाँ मैंने सुना, बट हमने भी तो कहाँ बुलाया था उसे अपनी पिज्जा पार्टी में। लगता है उसने हमसे बदला लिया है। चल छोड़, ऐसा करते हम दोनों ना कल मॉल चलेंगे और मस्त पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन कल तो पीटीएम है। वही तो, कल पीटीएम है, हमारे मम्मी पापा जाएंगे पीटीएम में और हम दोनों जाएंगे मॉल में। You mean secret party? Yes baby, it's time for secret party. Yay! The next day. Veronica उठो, चलो पीटीएम का टाइम हो गया बेटा। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को इधर ही रहने दो प्लीज। अरे कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया? पता नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। चल ठीक है, रेस्ट कर, मैं अकेली चली जाती हूँ, ठीक है बेटा? अरे रिदान जल्दी से रेडी हो जा, पीटीएम पे जाना है ना। पापा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप ही चले जाओ पीटीएम। क्या? ठीक है मैं ही चला जाऊंगा। ओए मम्मा गई, चल आजा घर। अरे मैं तो कब से तेरे फोन का वेट कर रही थी। अरे घर पे नहीं, नीचे मिल। ओ वाओ, ये देखिए क्या है। वाओ, मेरे पास ये आखिरी 500 रुपए बच रहे हैं, चल इसे यहीं पे खाते हैं मस्त। ओ चोर चोर चोर। मैडम आप यहाँ पे? अरे वो पीटीएम के लिए आई थी ना, बस अब घर ही जा रही हूँ। कैब भी नहीं बुक हो रही है, ऑटो भी नहीं है, पता नहीं। अच्छा चलो मैं घर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा जल्दी। अरे नहीं, आपको तकलीफ होगी, मिल जाएगी। नहीं कोई तकलीफ नहीं, गाड़ी उधर ही, आ जाओ। क्या हुआ, वेरोनिका नहीं आई? नहीं, उसके पेट में दर्द था ना, तो वो घर पर ही रुक गई। बड़ी हैरानी की बात है, रिदम के भी आज पेट में दर्द था। क्या, दोनों के एक साथ पेट में दर्द? गड़बड़ है यार, कुछ तो इन दोनों ने मिलके कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो घर पे जाके देखना पड़ेगा। चलो चलो घर चलते हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूख लग रही है यार। हाँ यार, और तो अब सारे पैसे भी चोरी हो गए। ऐसा करती हूँ मैं पिज्जा मंगा लेती हूँ और पेटीएम से पेमेंट कर दूंगी, और गार्लिक ब्रेड विद द डिप। ओके, तुम दोनों यहाँ पर हो। वेरोनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे तो पेट में दर्द था ना। आंटी वो ना क्या हुआ कि वेरोनिका की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने उसे इधर ही बुला लिया। पर तुम दोनों तो ठीक हो, अच्छी खासी खेल रही हो। चलो तुम लोग उधर बैठो, मैं भी आता हूँ। पीटीएम में तुम्हारा रिजल्ट मिला है, पिछली बार से बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। ये मेरे पर्स में से 1000 रुपए किसने निकाले? झूठ बोला कि आप दोनों की तबीयत खराब है और पैसे भी चुरा लिए। बोलो क्या किया तुम लोगों ने पीछे? पापा वो ना हम, आप चुप रहो वेरोनिका, आप बोलो। अंकल वो, बोलो। मम्मा वो हम लोग मॉल गए थे और उधर किसी ने हमारे पैसे चोरी कर लिए। बहुत हो गया वेरोनिका, उठो घर चलो। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, तुम दोनों ने इतनी गलतियां की है ना, एक तो सबसे पहले झूठ बोला कि तबीयत खराब है, दूसरा पैसे चोरी किए, और उसके बाद बिना किसी को बताए अकेले तुम दोनों मॉल चली गई। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें लगा नहीं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता या तुम्हें कोई उठा के ले जाता तो क्या होता? हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता कि तुम कहाँ गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ। आज के बाद हमें अपने पैसे तुमसे छुपा कर रखने पड़ेंगे, कहीं तुम चोरी ना कर लो। और अगर कभी हमें तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर जाना पड़ा तो सोचो, हम अपने बच्चों को घर पर लॉक करके जाएंगे ताकि वो कहीं अकेले बाहर ना चले जाए, उनको कुछ हो ना जाए। तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है बेटा, बहुत दुख पहुँचाया है। सॉरी अंकल, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, सॉरी आंटी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें अपनी बुक में, नोटबुक में 100 times लिखना पड़ेगा, तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगे, कभी चोरी नहीं करोगे और कभी झूठ नहीं बोलोगे। ओके फ्रेंड्स, hey कभी भी अपने घर पे झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, और अगर कहीं जाओ तो अपने मम्मी पापा को बता कर जाना। I'm sure आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और इसी और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं।
बाय बाय।